हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर अपन अपने जिराची को मैक्स करने वाले। जिराची देखो साथ में लेके खड़ा हूँ, इसको अपन मैक्स करेंगे। अभी तक मेरा मैक्स नहीं हुआ है तो इसको अपन इस वीडियो के अंदर मैक्स कर देंगे। पर मैक्स करने से पहले यहाँ पे अपने पोकेमॉन लीग के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा इवेंट चालू है तो उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अपना फेज टू बोल सकते हैं यहाँ पे इस इवेंट का। तो ये फेज टू है जहाँ पे अपने को यहाँ पे पोकेमॉन को डिप्लॉय करना होता है, उतारना होता है, सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे तुम लोगों को दिखा दूँ कि तुम लोग बोलते हो भाई चार स्टोन चार क्रिस्टल वो करो। यहाँ पे देखो भाई चार क्रिस्टल नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप के क्रिस्टल हो जाएंगे मेरे पास, कोई ऐसा नया अलग नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि वेदर का जैसे देखते हैं बारिश करने वाला, वो आग बरसाने वाला, तो वैसे सेम टाइप के बारिश वाला आग वाला दोनों साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि सेम टाइप के दो साथ में इक्विप नहीं कर सकते। तो मेरे पास अलग से कुछ चौथा ऐसा नहीं है, तो सेम टाइप का ये और है मेरे पास इक्विप, मतलब ऑल स्टोन अवेलेबल है पर वो सेम टाइप के, तो इसके वजह से चौथा वाला मेरे पास नहीं है अभी तक कुछ भी। तो तुम लोग इस पर बहुत लोग मेरे को बोलते हो कि भाई इक्विप कर, तो वो बता दिया कि इक्विप नहीं कर सकता हूँ मैं। तो अब आ जाते हैं इधर पे पोकेमॉन सिलेक्ट करने। तो यहाँ पे मैंने बैटल किया था, नॉर्मली 6 स्लॉट होता है पर आप और स्लॉट खरीद सकते हो, या फिर आप जो नॉर्मल बैटल करने का होता है दिन में 3 बार वहाँ पर बैटल करोगे तो आपको वहाँ से भी स्लॉट्स फ्री में मिल जाते हैं। तो वहाँ से मेरे को ये एक्स्ट्रा स्लॉट मिला है। मैंने 6 बार बैटल किया था, 2 दिन बैटल किया था। तो यहाँ पे अपन ने सिलेक्ट कर लिया सारे के सारे पोकेमॉन। यहाँ पे देख सकते हो 500 डायमंड के अंदर 500 डायमंड दे के नॉर्मल वाले यहाँ से इक्विप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन आ गए बैटल में, ट्रायल 1 स्टेज 1 स्नोरलैक्स बॉस है। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉस की सीपी बता दिया और मेरे 3 पोकेमॉन जो डिप्लॉय किया हूँ उन लोगों की सीपी बता दिया। पर यहाँ पे 3 पोकेमॉन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ मैं जो 7 पोकेमॉन है वो किस तरीके से और कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और एक पोकेमॉन मतलब कि मेरा जो एक टीम है वो 3 बार अटैक कर सकती है, उसके बाद उन लोग की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे सबकी एनर्जी ख़त्म हो गई। 7वां पोकेमॉन उसके पास और कोई टीम नहीं है, तो भाई यहाँ पे एक केस एक्सेप्शनल हो जाता है कि ये पोकेमॉन अकेले लड़ सकता है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है उसको मैंने सबसे लास्ट में रखा ताकि वो अकेले यहाँ पे बैटल करके जीत सके। तो अभी देख सकते हो अपन ने बैटल किए, जीत गए, और 9 स्टेज तक अपन यहाँ पे बैटल जीत गए। यहाँ पे भी अभी भी मैं यहाँ पे अकेले आता हूँ बैटल करने। तो ये यहाँ पे अपना ये सेकंड फेज और थर्ड फेज में कुछ नहीं होता है, थर्ड फेज में सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड मिल जाता है और कुछ ऐसा अलग से दिख के नहीं आता है। तो ये हो गया, आप आ जाते हैं अपने पोकेमॉन को मैक्स करने, अपने जिराची को मैक्स करने। तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, 200 सब्सक्राइबर बाकी है, 5000 पहुँचने के, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करके इसी हफ्ते में मेरे को 5000 सब्सक्राइबर पर पहुँचा दो। तो यहाँ पे अपना एसपी पे क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 110 का है पर मेरे पास 117 का डिट्टो भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने इसके इंडिविजुअल वैल्यू को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ से इसकी इंडिविजुअल अपन ने बढ़ा दिए 7% से, बढ़ा दिए 7 नंबर से, बढ़ा दिए 7 वैल्यू से, बढ़ा दिया ऐसा बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे नेचर के हिसाब में तो और मेरे पास जितने भी डिट्टो है सारे नेचर 1 के, बाकी अच्छे जितने भी नेचर थे तो सब लगा दिया। इंडिविजुअल वैल्यू वाला था मेरे पास कर दिया एक्स्ट्रा, तो मैंने कर दिया। और यहाँ पे देखो इसकी ट्रेनिंग के अंदर भी लास्ट ट्रेनिंग बाकी है, अभी भी तो एकदम लास्ट वाली ट्रेनिंग अपनी बाकी है। उसके लिए अपने को ये एक ऑरेंज जूस या पिंक वाला स्ट्रॉबेरी जूस या पर स्ट्रॉबेरी जूस बेटर करते मिलता है हार्ड वाले में, और वहाँ पर बहुत कम मिलता है, नसीब से मिलता है। तो अपन यहाँ पर खरीदेंगे, अपने पास 47 है, 56 चाहिए। तो यहाँ पे अपन अपने नॉर्मल डायमंड थोड़े खर्चे करेंगे और यहाँ पे स्वाइप करके देखेंगे कि कितने मिले। यहाँ पे देख सकते हो एक स्वाइप से 10 बैटल होती है, पर 10 बैटल के अंदर भी यहाँ पे देख सकते हो कितने मिलने वाला है मेरे को। स्वाइप 10 टाइम्स किया हूँ और 10 टाइम में देखो 4, 2, 6, 10 बार किया, 6 बार मिला। तो हर एक स्वाइप में ये नहीं मिलता है, तो बहुत मेहनत लगती है इसको लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो फाइनली 56 है मेरे पास, 57 हो चुका है। आप इसकी अपन कर देते ट्रेनिंग मैक्स। तो फाइनली अपना जिराची अटैक 5 से अटैक 6 पे आ चुका है, और भाई ये फाइनल पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुके है। कैरेक्टर लेवल इंडिविजुअल वैल्यू जितना मैक्स कर पा रहा था यहाँ पे चमक क्या रहा, क्योंकि मेरे पास और हेल्थ आइटम है इससे अच्छे, पर उनको स्टार्टअप करना पड़ेगा तो मैं उनको अभी तक नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसका अपन यहाँ पे आ चुके हैं, तो अपन इसका पोकेमॉन वॉल के अंदर से एक्सट्रीम ट्रेनिंग भी बढ़ा देते हैं। इसका डिफेंस का चालू है तो यहाँ पे इसका डिफेंस का पूरा कर लेते हैं। अपन डायमंड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि डायमंड की बहुत कमी है, डायमंड से प्राइस हाफ हो जाता है, हाफ किताबें लगती है डायमंड ऐसे बोल सकते हैं, पर नहीं अपने पास डायमंड को वेस्ट करने के लिए उतना डायमंड नहीं है। और जाके देख लेते क्योंकि 2 टाइप की बुक अवेलेबल थी, एक सस्ते में थी और एक महंगे में थी। तो 49 वाले अपन ले लिए, अभी महंगे वाली बुक है यहाँ पे देख सकते हैं 110 बुक ये भी ले लिए, इसको भी यूज़ कर लेते अपन। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डायमंड यूज़ कर लेते क्योंकि ये वाला ख़त्म होने वाला है। ओ भाई यहाँ पे देखो फिर 60 पे ख़त्म होता है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा बचा था 4 किताबें और करने के लिए, पर वो ख़त्म हो चुका है। तो कोई नहीं, आप अपन जल्दी से चले आते बैटल में और बैटल करके देख लेते कि ये पोकेमॉन सोलो कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है अभी म्यूटू के वर्ल्ड बॉस को।
तो आ गए अपन वर्ल्ड बॉस के अंदर। यहाँ से सारे पोकेमॉन अनसिलेक्ट कर लेते हैं अपन और यहाँ पे जिराची को सोलो खड़ा करते हैं। आप भाई जिराची सोलो 1v6 कर बैटल, देखते हैं कितना डैमेज ये देने वाला है। और फिर आप लोग मेरे कमेंट में बताना कि ये पोकेमॉन कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कितना ज़्यादा हो सकता है या फिर भाई बहुत ही ज़्यादा वीक है। तुम लोग ये सब इसका फाइनल डैमेज देख के बताना। और यहाँ पर भी देख सकते हो हर एक अटैक के बाद यहाँ पर डैमेज बताता है, तो वो भी देख के बता देना कि अटैक का जो डैमेज दे पा रहा है वो सही से दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, वो सब आप मेरे को कमेंट में बता देना। और ये मेरा पोकेमॉन डायनामिक्स भी होता है, अपना जिराची डायनामिक्स भी होगा, तो अपन उसका डायनामिक्स वाला अटैक भी देख लेंगे कि वो उसमें कितना ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कंपेयर कर लेते हैं नॉर्मल डायनामिक्स के बिना उसके ओवर अटैक से कितना डैमेज देता है। भाई मैं देख के आया 2440 का डैमेज दे रहा है, तो अब यहाँ पे इसका डायनामिक्स के बाद देख लेते हैं 2440 से कितना ज़्यादा डैमेज देगा डायनामिक्स होने बाद। यहाँ पे देख सकते हो डायनामिक्स हो चुका है ऑन डूम्ड जाए इसका ओवर अटैक 2440 से, देखते कितना ज़्यादा डैमेज देने वाला है। यहाँ पे इसने किया अटैक, बड़ा सा बॉल फेंक के मारा, हवा में गोल गोल घूमा। अरे भाई तो बिना डायनामिक्स 2440 का दे रहा है, डायनामिक्स होने के बाद 2330 का दे रहा है, तो भाई यहाँ पे तो उल्टा डैमेज ज़्यादा की जगह डैमेज कम हो चुका है, तो अजीब सिस्टम है इधर पे, ऐसा क्यों है पता नहीं। पर मेरे हिसाब से फर्स्ट अटैक ज़्यादा डैमेज देता है, ऐसा मैंने कुछ टैलेंट या कुछ लगाया होगा स्पेस के जैसे ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसका फाइनल डैमेज देख सकते हो कितना डैमेज दिया, मेरे को बताओ कमेंट में डैमेज सही है गलत है कम है ज़्यादा है, जो भी आप लोग बताओ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतनी, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।